नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज की वीडियो में आप देखने वाले हो ओम का नियम, KCL, KVL, DC सर्किट्स जो हैं उनमें विभिन्न प्रकार के परिपथ पाए जाते हैं, यानी कि जो सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और मिक्स सर्किट जिनको हम बोलते हैं, तो इनको कैसे इनको सॉल्व किया जाता है और कौन कौन से नियम इन पर लागू होते हैं, तो आज हम जो है इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रजिस्टर्स में आपने इंट्रोडक्शन और टाइप्स और टेम्परेचर इफेक्ट जान ही दिया है। तो सर्किट के लॉ में अभी हमने ओम का नियम जाना है, और जो है नेटवर्क सॉल्व करते टाइम आपको आगे KCL और KVL के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के टॉपिक में हम बेसिकली आप पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सर्किट के बारे में अगर आपको जीरो से नॉलेज जो लेनी है वो यहीं से चालू होती है। तो यहाँ पे जो ओल्ड सिलेबस में इतना सा दिया हुआ है सीरीज पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन सर्किट, अब आज जो आप इसमें पूरा डिटेल से जान पाएंगे कि कौन कौन सी टर्म्स अपने यहाँ पे यूज लेने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर के बारे में आपने पढ़ाई होगा, तो रजिस्टर के बारे में जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। आर बराबर रो एल अपॉन ए या वी इक्वल टू आई आर ओम के नियम से हमने पढ़ा है, तो ये सब। और साथ में हम देखेंगे कि जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो सर्किट में ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक वोल्टेज स्रोत लगाया और एक ही लोड लगाओ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे वोल्टेज स्रोत और हो सकता है उसमें बहुत सारे लोड हो। तो इन लोड को आपस में जो है किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इसके लिए तीन मेथड बताए गए हैं आपके यहाँ पे, सीरीज पैरेलल और मिक्स। क्या है सीरीज पैरेलल और मिक्स? तो यहाँ पे देखिए सर्किट की स्थिति आप देख लो कि यहाँ पे लोड का जो है रेजिस्टर होता है कुछ ना कुछ, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को आर लिखते हैं। यहाँ पे आपको पता ही होगा ये होता है, तो EMF इसको हम काउंट करते हैं, यानी EMF लिखते हैं। EMF लगाने पर तो रजिस्टर के सिरों पर क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज ड्रॉप। वो कैसे होता है कि जैसे इसमें जो करंट बहती है आई उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इस जगह पे हम यहाँ पे इस पर काउंट करते हैं आई इंटू आर, तो ये जो मान है ये हो जाएगा वी ड्रॉप। तो वी ड्रॉप अब एक लोड का है, ऐसे का अलग अलग लोड कनेक्ट हो तो उसको किस हिसाब से हम कनेक्ट करें और किस हिसाब से उनका रेजिस्टेंस निकाला जाता है, किस हिसाब से उनका जो है वोल्टेज निकाला जाता है, कैसे उनकी जो है करंट इफेक्ट करती है, यानी कि बदलती है या नहीं बदलती है, इसको देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला सर्किट लेते हैं, डीसी सीरीज सर्किट। देखिए डीसी सीरीज सर्किट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपको इस तरह से डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, यहाँ से देखिए डीसी सीरीज सर्किट का मतलब यह है कि लाइन टू लाइन जुड़े हो ना, यानी कि जैसे रजिस्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इस तरह से, तो यहाँ पे पहले का एक एंड अगले से जुड़ा है, अगले का दूसरा तीसरे का पहले से, यूँ कंटिन्यूसली, तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर कहलाता है और इसी को हम सीरीज बोलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है वो सब में से निकल के भी जाती है, और यहाँ इन सब का एक टोटल जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है, यानी कि हम अगर इनको अलग अलग देखें तो यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा V1, ये करेगा V2, ये करेगा V3 और ये करेगा V4। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो जैसे कि आपने एक लोड के लिए देखा होगा इस तरह से, तो यहाँ पे जो भी हम EMF लगाते थे, तो EMF के लगाने से यहाँ पे रजिस्टर जो इसका था, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है I, तो इसमें आई और आर का जो गुणनफल है, यानी कि आई आर का गुणनफल, वो इसका वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है, यानी कि इस इतने से का वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है V बराबर आई आर। ओके, तो ये अगर ऐसे काफ़ी सारे हों R1, R2, R3, R4, तो यूँ हम इसको मान सकते हैं V1, V2, V3 और V4। करंट जो है यहाँ पर देख लीजिए आई यहाँ से निकल कर और यहाँ तक और यहाँ से वापस बाहर, और इसको अगर ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट जो लगे हुए हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखते हैं। सबसे पहले इफेक्ट यह है कि इनका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा टोटल, क्योंकि सीधा सा जोड़ कर दो रेजिस्टेंस का, तो करंट जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि करंट जो है वो आई थी और आई रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग तो हो रहा है, लेकिन उसको टोटल करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सबको, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो कहने का मतलब वही है, इस सिंपल से सर्किट में
कि रेजिस्टेंस अलग अलग होता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगा और करंट सेम रहेगी, यही आपका है सीरीज सर्किट। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाले, तो थोड़ा सा क्या है इसको आप यहाँ से याद कर लो। रेजिस्टेंस टोटल क्या आया, टोटल सभी रेजिस्टेंस का टोटल, और वोल्टेज ड्रॉप क्या आया, सभी वोल्टेज ड्रॉप्स का टोटल। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, और इसको हम एक बार आपको सॉल्व करवा देते हैं कि जैसे कि मान के चलिए पहले का वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो V1, तो इसकी करंट करंट इसमें जो फ्लो हो रही है I, इसका रेजिस्टेंस R1, ठीक ओके। ऐसे ही V2 का, तो V2 का रहेगा यानी कि टोटल अगर अपन करें तो यानी कि यहाँ पे V2 बराबर I R2, V3 का I R3 और V4 का I R4। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम सभी वोल्टेज ड्रॉप का टोटल करेंगे तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर, तो ये इन सब का टोटल करेंगे तो आई जो है कॉमन आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे टोटल वी रहेगा। अब वी को आप जानते हो ओम के नियम से कि वी बराबर आई आर लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बाय द वे आई आर लिख दें, यहाँ आई आर लिख दें क्योंकि यहाँ पे वी होना चाहिए था, तो यहाँ पे जो है आई कैंसिल हो जाता है और रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। तो ये इस तरह से डेरिवेशन आप निकाल सकते हो, सिंपल है, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करें इस पर। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये ऐसे निकल के आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, सीरीज पर क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीरीज की क्या विशेषताएँ हैं। तो सीरीज की विशेषताएँ हैं कि देखिए इसमें करंट जो है जो चेंज नहीं होती है, यानी कि करंट सेम, यानी कि करंट समान, और वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है वो पता ही आपको, जितना एलिमेंट होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि दो एलिमेंट हैं दो बार वोल्टेज ड्रॉप होगा, तीन है तीन बार होगा, चार है चारों का अलग अलग होगा, तो अलग अलग होता है। कुल रेजिस्टेंस टोटल होता है सभी का, ओके, सभी रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, यानी कि पहले का रेजिस्टेंस, दूसरे का रेजिस्टेंस, तीसरे का और जो भी नेक्स्ट हैं इतने, मान लीजिए चार एलिमेंट है तो चारों का योग। और जो चालकता आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस की जो उल्टी होती है चालकता, तो ये क्या होती है विलोम, यहाँ पे इसको ध्यान से देख लें। अब ये सीरीज में आपको बताया गया है इस तरह से होता है ये, जैसे मान के चलिए तीन एलिमेंट दिए हो, तीनों को आप टोटल कर सकते हो तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है। अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहो तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, तो इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई जो है यहाँ पे मान लीजिए आई फ्लो हो रही है मान के चलो, तो इसमें आई जो है आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, तो इस प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको वोल्टेज ड्रॉप को ऐसे टोटल कर सकते हैं। तो जब ये तीन एलिमेंट हो तो वही विशेषताएँ आपको फिर से रिपीट करवा देते हैं, सीरीज को आप कंटेस्ट कर लें एक बार कि करंट सेम, वोल्टेज ड्रॉप यानी कि प्रत्येक जो वोल्टेज ड्रॉप है तो उसका टोटल जो है वो कुल वोल्टेज हो जाएगा, और कुल प्रतिरोध होगा जो यानी कि इनका टोटल, तो ये प्रतिरोधों का टोटल, ये वोल्टेज ड्रॉप का टोटल और ये करंट सेम। अब ये जो है इसका यूज कब किया जाता है, एक तो जो सर्किट में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, करंट की वैल्यू को कम करने के लिए, और दूसरा होता है डेकोरेटिव, डेकोरेशन जो लाइट सजावट में जो प्रकाश, यानी कि जो अपनी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि डीसी के समांतर सर्किट, डीसी में समांतर सर्किट का मतलब यह होता है कि जैसे ये देखे मान के चलिए एक एक एलिमेंट है, इसका पहला सिरा और इसका लास्ट का सिरा, दूसरे का पहला तीसरे का पहला, तो सब के दो दो एंड यानी कि एक एंड एक साइड में सब जुड़े हुए हों और दूसरे एंड दूसरी साइड में आपस में एक जगह जुड़े हुए हों, तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब यह होता है कि जैसे रोड होती है अपनी, तो रोड पे ये आने का रास्ता, ये जाने का और ये आपका आने का, तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध है पैरेलल का, तो ये पैरेलल होता है, ओके। तो पैरेलल में अब किस प्रकार से इसमें जो है करंट वोल्टेज और एम्पेयर जो रिलेशन है, यानी कि रेजिस्टेंस का और करंट का वोल्टेज का क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ वोल्टेज ड्रॉप टोटल अगर मान के चलिए वी है, तो इसमें जो भी करंट फ्लो होगी वो आई हो रही है। अब देखिए ब्रांच अगर खुल रही है, यानी कि आगे आप किरचॉफ के नियम में भी ये देखने वाले हो,
तो हम देखते हैं कि एक जगह हम पहुंचते हैं, उसके बाद में कई रास्ते होते हैं हमारे पास, तो वहाँ हम अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, जैसे कि रोड का नेटवर्क होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि करंट जो जंक्शन यहाँ जाती है, तो यहाँ से आगे करंट जो है अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, यानी कि करंट जो है टोटल आई है वो आई नहीं रह पाती है, तो आई का डिवाइडेशन हो जाता है, यानी कि आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इस तरह से हो जाती है। इनका रेजिस्टेंस जो है पहले का आर वन था, दूसरे का आर टू है, तीसरे का आर थ्री है, तो ये अलग अलग होता है। तो इनका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, जैसे पहले का वोल्टेज ड्रॉप अगर मान के चलिए तो आई वन आर वन, दूसरे का आई टू आर टू, तीसरे का आई थ्री आर थ्री, इस प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अब होता क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप भी है, और अब हम देखते हैं कि यहाँ से इनका जो है किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये आपकी जो करंट है यहाँ पे, ये करंट टोटल यानी करंट कुल करंट अलग अलग करंट्स का टोटल होती है, और कुल जो प्रतिरोध होता है वो कैसे निकाला जाता है, यानी कि हम देखते हैं कि जैसे आई का मान अगर अपन जैसे यहाँ पे रखेंगे आई वन आई टू आई थ्री इस तरह से, तो आई का मान ओम के नियम से हम जानते हैं आई बराबर वी बटे आर। दूसरा होता है कि आई बराबर वी बटे आर वन जो कि पहले का है, तो दूसरे सर्किट का निकालेंगे आर टू, तीसरे का लिखेंगे आर थ्री। तो ये जो है यानी कि पैरेलल में जो है वोल्टेज जो है जैसे वी वन वी टू वी थ्री भी लिख सकते हो, तो अगर हम देखें तो वोल्टेज का मान वही है जो पहले पे भी वही रहेगा, दूसरे पे भी वही रहेगा और तीसरे पे भी वही रहेगा, तो एक समान वोल्टेज रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यानी कि वोल्टेज का मान वी बराबर वी वन वी बराबर वी टू वी बराबर वी थ्री, तो आपस में ये जो है इनका मान वी रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है एक बटा आर, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा योग हो जाता है, इसको बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस यानी कि पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट की एक खास बात है। तो यहाँ पे हम इससे कंक्लूजन यह निकालते हैं कि अलग अलग जो प्रतिरोध होते हैं उनमें अलग अलग धारा अलग अलग होती है प्रभावित, वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, और कुल प्रतिरोध होता है उल्टा होता है, विलोम अलग अलग प्रतिरोधों का योग होता है। तो कुल चालकता जो है ये आपकी यानी कि रेजिस्टेंस अगर उल्टा है तो धारा चालकता हो जाएगी जी, तो सबका टोटल जो करेंगे चालकता का भी टोटल हो जाएगा जी, जैसे कि जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री सीधा योग, तो चालकताओं का योग हो जाएगा, यानी कि आपको ये सीरीज से उल्टा होता है पैरेलल, या यूं कहे पैरेलल से उल्टा होता है सीरीज, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपका ये जैसे पैरेलल सर्किट है इसमें आप देख पाएंगे कि जैसे आर वन आर टू आर थ्री तीनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे सब पे एक ही रहेगा वी, और करंट इनकी अलग अलग होगी आई वन आई टू आई थ्री इस तरह से। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इनका जो टोटल डिस्टेंस है उल्टा आता है, और यहाँ जो है ये वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज सप्लाई के समान, ये सप्लाई में जो अप्लाइड वोल्टेज है वही होगा, कुल जो करंट है वो ब्रांच सर्किट की करंट यानी कि कुल करंट जो है वो अलग सर्किट का योग, करंट अलग अलग सर्किट का योग होती है करंट का, और कुल प्रतिरोध जो है अलग अलग प्रतिरोध यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से कम होती है। कुल प्रतिरोध जो है मतलब इसका कहने का लास्ट लाइन का मतलब यह है कि जो सबसे छोटा प्रतिरोध है ना, जैसे दो चार पाँच, तो कुल प्रतिरोध का मान जो है दो से भी कम आएगा, ये इस पैरेलल सर्किट में बताया गया है। इसको हम कैसे न्यूमेरिकल में देख लेंगे तो ये आपको याद रखना है। और इसमें यह प्रत्येक डिवाइस को अलग अलग हम कंट्रोल करते हैं, जैसा कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में होता है घर की वायरिंग में, हम ये काम में लेते हैं, ये जो हमारे घरेलू सर्किट में ये पैरेलल सर्किट काम में लिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपका ये में क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं मिक्स सर्किट में, तो मिक्स सर्किट क्या होते हैं, वही है सीरीज और पैरेलल। अगर मान के चलिए पहले पैरेलल और बाद में सीरीज हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी यानी कि पैरेलल सीरीज ग्रुपिंग, और अगर पहले पैरेलल हो बाद में पहले सीरीज हो बाद में पैरेलल हो तो सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग दो प्रकार की होती है, वही है सर्किट में, जैसे यहाँ से देख सकते हो पहले आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, बाद में यहाँ से ये सीरीज लगा हुआ है, तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। अब और कई सर्किट्स में आपको यूँ पता ही होगा, जैसे ये सर्किट में जैसे इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि मान के चलिए जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की स्थिति एक बार आपको वापस दिखा देते हैं। पहले तीन सर्किट आपस में पैरेलल हैं, और आर फोर सीरीज में है, आर फाइव और सिक्स आपस में पैरेलल हैं, तो ये ग्रुप ए में तीन है, ग्रुप ए में तीन है, और बी में चौथा है, और सी में पाँचवें और छठवें प्रतिरोध हैं। तो देखिए यहाँ से
आर वन 30 है, आर टू 30 है, आर थ्री 30 है, आर फोर 100, आर फोर 50 और आर सिक्स जो है 50 ओम और 100 वोल्ट का शोर से, तो करंट और वो जो है आपका रेजिस्टेंस काउंट करना है। कैसे करते हैं एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको। आर वन आर टू आर थ्री ये जो 30 है तो 30 इंटू 30 यानी कि जैसे दो हों तीन हों उस हिसाब से। तो अगर आप ऐसे निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/30 प्लस 1/30 1/30 इस तरह से। तो ये 30 आप कैल्शियम 3 ये, और ये आपका रिवर्स जब करोगे तो आप इसको 10 ओम निकाल सकते हैं। तो ये 10 ओम जो है यानी कि जैसे 30 30 30 के 3 थे तो यहाँ पे कुल टोटल रेजिस्टेंस आया 10 ओम। तो ये कैसे निकालते हैं, इस तरह से है। ग्रुप एक का, ग्रुप एक का प्रतिरोध हो गया 10, ग्रुप बी का अकेला ही है तो उसका 100 का 100 ही है, सी में दो थे तो दोनों का जैसे 50 50 के दो हैं, 1/50 प्लस 1/50 इसमें 50 और 2 तो इसका वापस रिवर्स उल्टा करेंगे तो 25 ओम। ये कैसे आता है इसके लिए मैं आगे आपको अलग से आप समझ सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल में आपको इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ से कुल प्रतिरोध नेट प्रतिरोध क्या हुआ, एक बार ठीक से देख लीजिए। 10 100 और 25 ये आया हमारा, तो इन तीनों का टोटल कर देंगे 10 100 और 25 का 135 ओम हो गया। नेक्स्ट टोटल करंट हमारी आई है, वोल्टेज अप्लाइड 100 और करंट थी 100, रेजिस्टेंस टोटल 135, तो करंट आई है 0.74 एम्पियर। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आप यहाँ से पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा सर्किट जैसे हम देखते हैं कि सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, इसमें क्या होता है कि सीरीज और पैरेलल यानी पहले हमें सीरीज सॉल्व करना पड़ता है और बाद में जैसे इन दोनों को सीरीज में कर लिए उसके बाद में जैसे पहले वाले ग्रुप का मान मान लो ग्रुप आर ए, दूसरा ग्रुप आर बी, अब इन दोनों को क्या है कि आपस में हम पैरेलल में सॉल्व करके और फिर इसको हम फाइनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने आज सीरीज पैरेलल के बारे में देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे हमारे साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।